गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 17 अगस्त दिन वीरवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना है, ग्राहकों में जो है पावर कैसा नजर आ रहा है। और दोस्तों कल भी जो है यहाँ पे मंडी ओपन था, बुधवार का दिन था। आमतौर पर तो बुधवार को मंडी जो है बंद रहता है, लेकिन 15 अगस्त को जो है छुट्टी था और 15 अगस्त मंगलवार का दिन पड़ा और जो बुधवार है, इस वजह से जो है बुधवार वाले दिन आमतौर पे मंडी बंद रहता है, लेकिन बुधवार को मंडी खोलना पड़ा मंगलवार के कारण। तो दोस्तों एक बार आप सभी को जो है क्वालिटी दिखा देता हूँ। सर के पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी, और इस समय आप ग्राहकी देख सकते हैं प्याज के बाजार में। और यहाँ पे जो है केशवपुर में दोस्तों आलू और प्याज का अर्थ एक साथ है, और नीचे भी है जी, इस साइड में ऐसे करके नीचे भी जो है आलू प्याज का, और ये पूरा जो है रो आलू और प्याज का जी। देखो जी कुछ एक लार जो है सर ने खोला हुआ है, देखो क्वालिटी कुछ इस तरह का है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ माहौल बना है, कितना ताजा गाड़ी है मार्केट में, कितना बैलेंस है सर? सर जो कल की खड़ी गाड़ियां और आज की, ये मिलाकर हमारी मंडी में 17-18 गाड़ी है। अच्छा जी। और दो तीन गाड़ी का बैलेंस भी है। अच्छा नीचे उतरा हुआ। अच्छा तो नीचे ऊपर मिला के अलग अलग 20 गाड़ी के आसपास हमारी मंडी में। अच्छा जी, आज तो काफी खाली हो गया जी। नहीं सर, ये क्लियर ही हो रहा है सर। ये अभी आप आधा घंटा पहले आते तो ये पूरी दुकान भरी पड़ी थी। अच्छा जी। हाँ ये अभी तुल के जा रही हैं गाड़ियां, ये दिए हैं अभी। अच्छा, ये एमपी के माल है। अच्छा, ये नासिक के माल है। तो ये बिक चुके जी? हाँ, और सामने जो खड़ी है वो पूना गाड़ी है। अच्छा जी जी, ये जूट वाले कट्टे में। ये मैं रेटों की बताऊं आपको तो ये ना एवरेज क्वालिटी माल है एमपी के। अच्छा जी, ये जो माल है आप देख रहे होंगे साइज थोड़ा मीडियम है, थोड़ा किसी में थोड़ा चलका पत्ती की भी है शिकायत। अच्छा जी, ये बिके हैं 23-24 रूपए। 23-24 रूपए। ये नासिक के माल है सर, ये बिके हैं 24-25 रूपए। ये तो चोपड़ा है जी? हाँ, इसमें चोपड़ा भी है और आगे लाड भी था ये। अच्छा जी, जो लाड है वो 24-25 रूपए है, चोपड़ा जो है 17 रूपए। 17 रूपए जी। अच्छा जी, ये बैलेंस मालों की कंडीशन है सर। अच्छा, मतलब उसी गाड़ी का जो माल है लाट भी निकला था और चोपड़ा भी निकला। हाँ, दोनों था इसके अंदर। चोपड़ा के करीब 150-200 कट्टा था, बाकी 400 कट्टा प्याज का था। अच्छा जी जी, तो चोपड़ा 17 रुपए की रेंज में बिका है। अच्छा, इसमें एक लाट थोड़ा सीनियर था और 18 भी बिका है। अगर ये अभी थोड़ा रह जाता है पहले से और कल की तारीख में दागी हो जाता है तो 18-20 डाउन भी हो सकता है ये। अच्छा जी सर, अब जो बाजारों की अगर आप बात करोगे तो जो रनिंग बाजार है, चाहे एमपी हो, पूना बेल्ट का भी बता दो जी, अपना जो पूना बेल्ट का जो पूना बेल्ट सर जो माल है ये आप देख रहे हो ये 26 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक है। अच्छा जी, एक दो लाट इसमें 30 रुपए के बिके हैं। अच्छा जी, 26 से लेकर के 28-29 जी, जो रनिंग बाजार है से लेकर 28 रुपए रनिंग बाजार है। अच्छा जी, जो एक्स्ट्रा सुपर माल है वो 28 से लेकर 30 रुपए। 28 से लेकर 30 रुपए। हाँ जी, जो एक्स्ट्रा सुपर माता की क्वालिटी जो जैसे इसमें थोड़ा बहुत ही लाट निकाला 70-80 कट्टे हैं जो 29-30 रुपए के रेंज में बिके थे। अच्छा जी, बाकी जो बाजार वो 26 रुपए से लेकर 28 रुपए। 26 से लेकर 28 रुपए जनरल बाजार है जी। तो सर जी वही अगर बात करें जो जनरल बाजार है नासिक का, तो उसका क्या? नासिक का भैया, नासिक या एमपी जो जनरल बाजार है वो 24 से लेकर 27 रुपए। 24 से लेकर 27 रुपए। हाँ, जो जनरल बाजार है जी। बाकी अगर नासिक में तो खैर हमारा, मैंने इतना हाल फिलहाल नजदीक में कोई बढ़िया ज्यादा माल देखे नहीं है जी। एमपी के जो अच्छे माल आ रहे हैं जी वो भी 28-29 रुपए हैं, अगर बहुत एक्स्ट्रा सुपर होंगे तो। अच्छा, 28 से लेकर 29 जी, जो एक्स्ट्रा सुपर होंगे तो। अच्छा, बाकी जनरल बाजार उसका भी वही है 24 से लेकर 27 रुपए। अच्छा जी, तो सर अभी अगर बात करें चोपड़ा प्याज का, तो चोपड़ा प्याज मार्केट में कितना आ रहा होगा? सर चोपड़ा जब प्याज महंगा हो जाता है चोपड़े की थोड़ी ज्यादा होती है, चोपड़े की नीचे ऊपर मिला के जैसे आज अगर आप देखोगे तो लगभग 3 गाड़ी के आसपास का माल हो जाएगा चोपड़े का। अच्छा जी, किसी गाड़ी में 100 कट्टा होता है, किसी में 200 को एक पूरी गाड़ी होती है चोपड़े की। अच्छा जी, तो लगभग समझ लो अगर 20 गाड़ी के जैसा नीचे ऊपर मिला के अरेवल बता रहा हूँ मैं आपको जी, इसमें अगर आप चोपड़े की रेशियो निकालोगे तो 2.5 से 3 गाड़ी के आसपास रेशियो बन जाएगी। अच्छा जी, और फिर अगर बात करें राजस्थान वाले प्याज का, इस समय आ रहा है जी? सर हमारी मंडी में राजस्थान आ नहीं रहा, लेकिन अगर राजस्थान बढ़िया है जी, राजस्थान में 2 क्वालिटी आ रही है, जो लाल प्याज है उसका भी सेम बाजार है जो दशावर प्याज का है जी, 24 से लेकर 27 रुपए जी। अगर अच्छे माल है तो, साइज अच्छा है और रंग पत्ती अच्छी है तो, लाल माल है तो जी। जो पीले वाला माल है वो 2-3 रुपए किलो कम है, वो 22 से लेकर 24-25 रुपए। अच्छा जी जी, तो यहाँ पे राजस्थान का डिमांड जो है नहीं देखने को मिलता? नहीं, डिमांड बहुत है लेकिन राजस्थान क्योंकि कम हो चुका है, हमारी मंडी में आ भी कम रहा है। अच्छा अच्छा जी, और सालों के मुकाबले इस साल हमारी मंडी में राजस्थान कम आया है। अच्छा जी जी, और सर जी बात करें इस समय जी जो माहौल बनता नजर आ रहा है जी, तो क्या लगता है सर प्याज का बाजार? देखो भैया, मैंने आपको पिछले हफ्ते से एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये जो नजदीक के 10-15 दिन आए, आपका 10 दिन है,
यहाँ टेंडेंसी सेम ही रहेगी, 24-25 से लेकर 30 रुपए किलो। अच्छा, बाजार बनने हैं लेकिन वो बनेंगे अभी अगले महीने से। अच्छा जी, इस महीने की अगर आप बात करोगे तो मतलब इस महीने के आसपास तक मेरा आइडिया वही है, 24-25 से लेकर 30 रुपए। अच्छा जी जी, बाजार यहीं आसपास स्टेबल होते रहेंगे, 1-2 रुपए किलो बाजार के हिसाब से, माल के हिसाब से, अराइवल के हिसाब से ऊपर नीचे बिक जाए वो अलग बात रही जी जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल की टेंडेंसी ये है। हाँ, अगले महीने बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी जी, मतलब बाजार में नेक्स्ट मंथ जो है अच्छा खासा सुधार देखने को मिलता है, फर्क पड़ेगा सर बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा अंदाजा है। अच्छा जी, उनको निकालते रहना चाहिए। अच्छा, अगर उनको थोड़ा बहुत जुआ खेलना या अंदाजा करना वो आखिर तक इंतजार कर लें, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी 1.5-2.5 महीने है हमारे पास जी। लेकिन फिर भी इन भावों के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आदमी इस भाव के अंदर भी धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत माल निकालना चाहिए। अच्छा जी सर जी, किसानों के लिए क्या मैसेज रहेगा और आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? जो आम पब्लिक या फिर कोई हमारे न्यूज वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाले? देखो भाई, पहली बात तो ये है कि न्यूज वालों के लिए और आम पब्लिक के लिए जी, कि जो सच्चाई है उसको ही आदमी बयान करे, बाकी ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में ना आए। मान के चलो, अगर किसान जो 2-3 सालों से मर रहा है जी, अगर 25-30 रुपए किलो प्याज बिकता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत मारा मारी वाली चीज हो गई जी। अगर आप सब्जियों की बात करो, टमाटर की बात करो, वो तो 200-250-300 रुपए किलो तक बिक गए जी। अगर मान के चलो आज की तारीख में 20-25-30 रुपए अगर किलो प्याज बिकता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत मारा मारी वाली बात है, तो फालतू की चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है कि ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि 50-100 रुपए किलो हो जाएगा, 80 रुपए किलो हो जाएगा, तो उससे भी क्या होता है कि चीजें गलत मैसेज पहुंचता है जी। तो पब्लिक को और खासकर न्यूज मीडिया को जो एक्चुअल फैक्ट्स है वही दिखाने चाहिए, और पब्लिक को भी अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए। जब महंगाई हर चीज में बढ़ गई है तो थोड़ा बहुत अगर प्याज के अंदर, और इसको महंगाई नहीं कहा जाएगा, अगर आज की तारीख में प्याज 20-25-30 रुपए किलो होलसेल में बिक रहा है जी, इसको महंगा नहीं कहा जाएगा सर। अगर आप देखोगे और सब्जियों के मुकाबले या और फलों के मुकाबले, तो प्याज आज भी रीजनेबल रेटों पे है और रेटों के मुकाबले जी। और सर, ये तो खाने वाला चीज है जी, जो हमारे किसान जी, जो हमारा कृषि प्रधान देश है जी, जो हमारे किसान पूरे अपना जो है रातों दिन करके खेती बाड़ी करते हैं जी, यहाँ साल साल भर हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, चीजें मंदा होता है, लेकिन किसान कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता सर। एक बार बताओ मेरे को, एक बार महंगा होता है तो पब्लिक हो गया। एक बार बताओ, 2-3 साल से किसान मर रहा था जी, तब कौन सी उनको आपने सब्सिडी दे दिया, तब कौन सा आपने ये बोल दिया कि हाँ नुकसान ज्यादा हो रहा है कि लागे जेब से दो उनको जी? नहीं दिया ना सर। तो उन्होंने तो भाई अपने जमीन बेच के या जेवर बेच के उन्होंने तो आज भी वो खेती कर ही रहे हैं सर जी, इसी आश्रय की। हाँ, और ये साल भी अगर मैं आपको बताया, मैंने जैसे बताया ना आपको कि ऐसा नहीं है कि बहुत अनाप शनाप तेजी है जी जी, अगर 25-30 रुपए किलो और अगर डेल में अगर 40-45 रुपए किलो प्याज बिकता तो ऐसा कोई मारा मारी वाली चीज नहीं है सर इसके अंदर। गवर्नमेंट इसको इश्यू बना के जो मर्जी करते वो अलग बात रही, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर थोड़ा पब्लिक को भी समझना चाहिए, यहाँ पे जो है पब्लिक का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। चलो जो गवर्नमेंट का रोल है वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन पब्लिक का अगर सपोर्ट मिलेगा सर तो वो सबसे बड़ी बात रहेगा सर। तो प्याज के अंदर ही क्यों, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप टमाटर 300 रुपए किलो खा सकते हैं जी, गोभी 100 रुपए किलो खा बात ये सब्जी का ही नहीं, और टमाटर भी कितने दिन के लिए रहा, महीना 15 दिन सर महंगा। तो सर ये दोबारा यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सर टमाटर और ये देखो ना प्याज वाले मर कितने टाइम से रहे हैं, और अगर आज की तारीख के अंदर सिर्फ ये है कि दाम पूरे होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबी छोटी कमाई ले जाएगा किसान को। और सर ये खर्चे बहुत होते हैं जो आपको और हमारे को अंदाजा भी नहीं है, जब एक वहां से माल चलता है तो खर्चे बहुत होते हैं जी। हम लोगों को तो सिर्फ यहाँ खर्चे गिनने हैं कि हाँ क्या हुआ, बिका जी 25 बीघा 27 बीघा, बिल्कुल जो खर्चे हैं, जो स्टॉक की मतलब जो मेहनत है उसका सर अंदाजा भी नहीं है बिल्कुल। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर अगर उसके हिसाब से आप अगर वो सारी चीजें जोड़ोगे तो सर कुछ भी नहीं है जी। और सर मेन मुद्दा है कि जो सिर्फ सब्जी ही महंगा नहीं है जी, आप कहीं पे भी जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक टाइम में खाना आपको 400-500 वहाँ महंगा ही आपको नजर नहीं आता है, कुछ खरीदने जा रहे हो मॉल में जा रहे हो, कुछ भी कपड़ा लेने जा रहे हो वहाँ पे महंगा ही नजर नहीं आता आपको, ठीक है कोई एसेसरी लेने जाते हो वहाँ पे महंगा ही नजर नहीं आता जी। सिर्फ खाने वाले ही चीज में जो है वो भी जो है मैंने सर खाने वाले के अंदर सिर्फ प्याज ही है सर जी जी, बाकी कोई चीज नहीं आती, किसी को दिक्कत नहीं होती, वही प्याज से क्या इतराज है लोगों को, वही जी वो भी महीना 15 दिन के लिए किसान भाई ऐसी दिक्कत लग रही है। तो देखो प्याज कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको खानी खानी है, अगर आपको महंगी लग रही है तो थोड़ा कम डाल लो, मत डालो क्या, टमाटर के बगैर काम चले, प्याज के बगैर तो चल जाएगा, लेकिन शोर में जाने से क्या होगा सर ये बताओ जी जी जी। वो भी सर महीना 15 दिन के लिए मुश्किल से ही होता है रेट, यही है सर। और आजकल ना सर सब अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ा बहुत जो है हम लोगों के बारे में भी सोचे, जो किसान है उनके बारे में भी सोचे, तो सर देखने का नजरिया ही अलग होगा। ऐसा है कि देखो ये इनकी हिम्मत मानो कि ये आज भी खेती कर रहे हैं और वादे घाटे झेल रहे हैं जी। अगर आज की तारीख में इन्होंने अगर सर जो हाल हो गया ना, जो 2-3 सालों से प्याज का हाल हो रहा था और यही हाल अगर आगे भी रहा जी, जब ये प्याज बंद हो जाएगी आना जी,
फिर आप जब बाहर से मंगाओगे तो उसे तीन गुना पैसे देके आपको प्याज खानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर हमारा किसान मेहनत करके अगर चीज बना के दे रहा है आपको, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान के चलो कब तक वो सहन करेगा। बिल्कुल। अगर उसने आज खेती छोड़ दी और आपने बाहर की प्याज पे अगर निर्भर हो गए जी, तो सर आज जो प्याज आप यहाँ करो तो कम से कम तीन गुना बता रहा हूँ प्याज आपको जी। तो हो सकता था महंगी ना हो जाएगा जी, पाकिस्तान और श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, वही हो जाएगा सर। ये जी समझने वाली बात है सर, ये बेसिक चीज है ये जी। तो सर इतना ज्यादा चीजों को हाईलाइट ना करके चीजों को समझना चाहिए जमीनी तौर पे जी, कि ऐसा कुछ नहीं है जी। और आप लोग देखो न्यूज में हर जगह मतलब रेशियो पता ही चल जाता है जी, कितने किसान किसानों का जो है डेथ हो रहा है, कितने जो किसान जो है कर्जे में डूब रहे हैं जी, ये सारा रेशियो आ ही जाता है न्यूज वगैरह सर आपके। बिल्कुल जी। सर जी। अभी अगर छोटा मोटा अगर रेशियो निकाला जाए तो हमारे किसान भाई कितने परसेंट जो है मतलब कर्जे में डूबे होंगे? सर देखो अगर आप जो मान के चलो जैसे हमारे कृषि देशी है 60-70% जो हम इसी कृषि पे ही निर्भर रहते हैं जी, तो सर इसमें मेरा देखो हालांकि डाटा नहीं है, अंदाज से बता रहा हूँ सर, मेरे को लगता है कि 20-40% ही ऐसे होंगे जो उनको फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो 40 है वो सब जमीनी तौर पर जुड़े हुए किसान है जी, जो बकायदा हर साल में जो फसल होती है उसी पे पूरा साल निर्भर करते हैं वो जी, जो मतलब मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो ताजी फसल पे निर्भर करते हैं। अच्छा जी। थोड़ा पंजाब के ऐसे 2-4% किसान होंगे, हरियाणा के होंगे या राजस्थान के होंगे जो भरपूर होंगे अपने आप में। अच्छा। अदरवाइज तो ये जो फसल है यही साल की भर की यही निर्भर इसी फसल पे निर्भर करते हैं। अच्छा जी। जी मतलब अगर इनका मंदा गया तो फिर उनका मतलब बिल्कुल है सर, बिल्कुल 100% ऐसा ही है, ये जो आज फसल हो रही है इसी पूरा साल निर्भर करता है उनका, इसीलिए उनके बच्चे खाने हैं, पढ़ाई करने हैं, समाज देखना है, खाना पीना सब उसी एक फसल से चलना है सर। जी जी। और सर हमारे पब्लिक भी तो है, जितने भी पब्लिक है सर 144 करोड़ की आबादी है जी, उसमें तो सर मतलब समझ लीजिए 70% जो पब्लिक है वो सर गांव देहात में जुड़े हैं, लेकिन गांव देहात में जो जुड़े हैं उनको तो कुछ समझना चाहिए जी। जब हमारे बाप दादा खेती करते थे या खेती करते हैं तो कितना लागत लगता है, कितना मतलब इसमें मेहनत है, क्या है, तो उस चीज को सबको जमीनी तौर पर समझना चाहिए और एक जमीनी तौर के नजरिए से देखना चाहिए सर। बस यही बात है, जो एक्चुअल फैक्ट है उनको समझना चाहिए, जिस तरीके से वो धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जी। वो उम्मीद करते हैं कि भैया उनको साल के हिसाब से उनकी पगार बढ़नी चाहिए, धंधा बढ़ना चाहिए जी। तो किसान के लिए भी तो ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना सर ये। जी जी। और वैसे भी सर ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो उल्टा ओपन मार्केट हो गई है सर जी, जो आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनी अपनी टॉफी चॉकलेट पेप्सी अगर बेचते हैं उन पे कोई कैलकुलेशन नहीं है जी। ये तो ओपन मार्केट हो गए हैं, आप जैसे लोग वहां ही पहुंच जाते हैं, आज क्या रेट चला, क्या रेट पहुंचा, सब पता सर पब्लिक को भी और आपको भी सरकार को भी जी। उसके बाद भी सर सोचा रहा, जो बड़ी कंपनी थी जो 2-4-5 रुपए की चीज बेच रही थी आज 50 रुपए की बेच रही है, उनको पूछने लगो है ही नहीं जी। और सर ये तो मौका सर जो किसान भाइयों को मिलता है वो हफ्ता 15 दिन या महीना, ये तो है नहीं कि जो सालों साल से चलता हुआ सर सालों साल अगर नहीं चलता है तब ये मतलब चलो ये एक इशू होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो पिछले 3 साल गए हैं उसमें कौन सा 25 दिन या महीना मिल गया था सर? वही ना सर। सर ये कोई ये सब बातें मैं बोलता रहा हूँ, जिस जो आदमी जिस फील्ड में ना वही वो दर्द वही समझ सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला जी आपने सर जी। चलो जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98-11-35-77-76। और दोस्तों आम पब्लिक को भी कहना चाहूंगा इस बात को जो है आप गहराई से समझना जी जी, ठीक है, और बाकी सारा कुछ जो है आपके ऊपर डिसीजन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।